सब्सक्राइब कीजिए वेल्थ गुरु जी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं कैसे स्टॉक के बारे में जिसके प्राइस लेस देन 100 रुपीज़ है। बीच में प्राइस थोड़ी सी अप गई थी लेकिन अभी थोड़ा सा स्टॉक 1-2% टूटा हुआ है, इसके लिए थोड़ा सा प्राइस अभी 100 के अप्रोक्स चल रहा है। तो वो हम बात कर रहे हैं अशोक लीलैंड के बारे में। अशोक लीलैंड एक अच्छा स्टॉक है और अगर देखा जाए तो फ्यूचर के लिए काफ़ी बेस्ट स्टॉक है और फ्यूचर में चल के मल्टी मेकर स्टॉक साबित हो सकता है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जिस भी कंपनी का सेल अच्छा रहेगा और कंपनी की मार्केट में डिमांड इंक्रीज होती रहेगी तो कंपनी अच्छे प्रॉफिट अर्न करेगी, और कंपनी अगर अच्छे प्रॉफिट अर्न करेगी तो ही तो हम लोग को अच्छे रिटर्न दे पाएगी। तो इसके लिए मैं जैसे कि मैं पहले पिक में दिखाया हूँ ये BST की बस है। आप वीडियो को देख रहे तो मैं नहीं जानता आप कि कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं इंडिया के, लेकिन अगर आप मुंबई में हैं तो मुंबई में जानते होंगे ये BST बस चलती हैं। और BST की बस में जितनी भी बसें हैं नॉर्मली ये दिन पे दिन अगर जैसे नई बसें जो भी डाली जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें अशोक लीलैंड कंपनी के काफ़ी सारे मतलब कि बसेस रहती हैं और उस कंपनी की सेल्स भी काफ़ी अच्छी है। अगर कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है तो इंडाल्डी कंपनी अच्छे प्रॉफिट अर्न कर रही है और हमें भी अच्छे प्रॉफिट देगी। तो यही है और मैं इसके स्टॉक को लेके चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन को इजीली देख पा रहे हैं और ये मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट को ओपन किया है और अशोक लीलैंड को सर्च किया है। मैंने जस्ट बेसिक चार्ट खोल के रखा हुआ है तो मैं लास्ट 5 ईयर पे क्लिक करता हूँ और ये 5 ईयर पे देखिए जैसे कि ये 22 अगस्त 2013 मतलब कि 22 अगस्त 2013 को ये स्टॉक 12.70 रुपये था और बाद में ये प्राइस लगातार इंक्रीज हो रही है, कंटिन्यूसली ये स्टॉक इंक्रीज होते जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये स्टॉक एक अच्छे पैटर्न दिखा रहा है और स्टॉक के मतलब कि फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं और पैटर्न्स भी इतने बुरे नहीं, और ये स्टॉक थोड़ा सा एक दो अभी कुछ टाइम से अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी ऊपर चल रहा था क्योंकि मार्केट में आप सब जैसा जान ही रहे कि बुल रन चल ही रहा है और इसके लिए ये स्टॉक भी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए। लेकिन अभी थोड़े से स्टॉक में डाउन सारे काफ़ी स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, इस स्टॉक में भी थोड़े से करेक्शन हुए वन भी थोड़ा सा प्राइस में। आज भी ये स्टॉक तकरीबन 1-1.5% डाउन हुआ है। तो लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म व्यू की बात करूं तो काफ़ी अच्छे मतलब कि इसमें आप लॉन्ग टर्म व्यू रख सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक के जाके शेयर होल्डिंग भी देखेंगे तो शेयर होल्डिंग में जैसे म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारे कंपनी ने अशोक लीलैंड पे भरोसा दिखाया है और अशोक लीलैंड एक अच्छा परफॉर्मेंस क्यों कर सकता है देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं फ्यूचर प्लानिंग एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने लिए क्या सोचे ये भी बहुत बड़ी बात है। तो जैसा कि अशोक लीलैंड के काफ़ी सारे मतलब कि प्लानिंग है, इन लोग मतलब इलेक्ट्रिक के कार्स पे भी काफ़ी काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक आइटम पे। तो जैसे इन फ्यूचर में जैसे कि आप सब अगर ये एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं और हर कोई जानता है जैसे फ्यूचर में चल के ये फ्यूल के बजाय हम लोग ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें इलेक्ट्रिक के यूज करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक के कार होंगे और इलेक्ट्रिक के बाकी भी आइटम्स होंगे, तो उन इलेक्ट्रिक के सेक्टर में भी अशोक लीलैंड काम कर रहा है और अशोक लीलैंड कंटिन्यू अपने सेल्स को भी ग्रोथ कर रहा है, अपने मतलब प्रोडक्शन में भी इंक्रीज हो रही है, हर चीज़ में मतलब कि एक अच्छा बेहतर काम कर रहा है। अगर ये सारे चीज़ों में अगर इन्वेस्ट करेगा तो एक मतलब कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक अच्छी परफॉर्मेंस देगा और अच्छे रिटर्न्स भी आपको देगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये स्टॉक बेस्ट है, आप इस स्टॉक को ले सकते हैं। लेकिन आप किसी भी स्टॉक को लेने के पहले अपना पर्सनल रिसर्च जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे भरोसे पर ले रहे हैं तो कल को अगर आप ऐसा ना कहें कि मतलब कि मैंने आपके कहने पे ले लिया वेल्थ गुरु जी और आज मुझे नुकसान हो गया, तो ऐसा आपको ना कभी दिन देखना पड़े। इसके लिए मैं कहता हूँ कि कोई भी काम स्टॉक को लेना है तो प्लीज़ एक बार अपना पर्सनल रिकमेंडेशन के लिए, और वैसे अगर मैं सजेस्ट किसी को भी करना चाहूँ तो ये बेस्ट है। अगर आप फ्यूचर के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हो, अगर होल्ड करने की आपके अंदर एबिलिटी है तो ये स्टॉक आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपका कोई और इस स्टॉक को लेकर सुझाव है तो जैसे कि अगर आपका कोई भी रिकमेंडेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ही देना। वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपका कोई भी सुझाव है, अगर आपको कोई भी सवाल भी है, तो आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।